दोस्तों, बिग बॉस ऑलरेडी के लाइव फीड में घर के अंदर आधी रात के समय कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि घर के अंदर एल्विस भाई ने यहाँ पर अविनाश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है। दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे दोस्त बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि अविनाश बाथरूम एरिया में था और इस दौरान एल्विस भी वहां पर पहुंच जाता है और एल्विस ने अविनाश को देखकर कहा कि भाई एक बात बता, तेरी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? अविनाश ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू मेरे को धमकियां उनके देता है घर के बाहर की कि बाहर देख लूंगा तेरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसलिए देर से मैं बात नहीं करता। जिसके बाद एल्विस ने कहा कि तू मेरी बातों को इतना सीरियस मत लिया कर, इतना मीन मत किया कर फालतू में। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर अविनाश ने कहा कि चल ठीक है फिर चिल कर, दोनों दोस्त बन के रहते हैं एक साथ। और यहाँ पर अविनाश की इस बात से एल्विस भी खुश हुए और एल्विस ने हाथ मिलाते हुए अविनाश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बन चुके हैं। हालांकि दोनों की बात इतनी हुई थी और इसके बाद एल्विस एक बार फिर से आकर फुकरा इंसान के साथ में बैठ गए और फुकरा इंसान के साथ में बैठकर फुकरा इंसान को बताया कि मैंने अविनाश के साथ में दोस्ती कर ली है, अब हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद फुकरा इंसान ने कहा कि क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ कि उसने देर से दोस्ती कर ली? जिसके बाद फुकरा इंसान को एल्विस ने बताया कि इतने दिनों से उसकी फटी पड़ी थी, मैंने उसको घर के बाहर की धमकी दे दी थी, उस बात को वो सीरियस लेके बैठ गया और वो मेरे से लड़ ही नहीं रहा था, अब मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली और मैंने कह दिया कि बाहर की बातें बाहर ही रहने दे, बाहर हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम यहीं पे कर लेंगे। और फिर उसने भी कहा कि चल ठीक है चिल करते हैं और हम दोनों ने ऐसे दोस्ती कर ली। और इसके साथ ही फिर एल्विस ने कहा कि अब आएगा ना बेटा मजा, अब मैंने उससे दोस्ती कर ली है, अब वो मेरे से डरेगा नहीं, अब वो मेरे से लड़ेगा, अब तो मैं तो सारे से खूब लड़ाई करूंगा, खूब फुटेज खाऊंगा देखना तू। अब दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से एल्विस ने ये सारी बातें बताई उसे देखकर मनीषा रानी और फुकरा इंसान दोनों ही बुरी तरीके से हंस पड़े और फुकरा इंसान ने कहा कि यार तू कितना कमीना आदमी है, साला लड़ने के लिए उससे दोस्ती कर लिया। खैर दोस्तों, एल्विस ने जिस तरीके से बताया वो वाकई काफी फनी वे में था। फिलहाल आपको कैसा लगा यहाँ पर एल्विस का ये मास्टर प्लान, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप भी एल्विस और फुकरा इंसान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।